हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त अनीता प्रसाद और आज मैंने अपने घर में इस आम पन्ना को बनाया है जो कि समर के लिए ये बहुत ही रिफ्रेशिंग और हेल्दी ड्रिंक है दोस्तों। तो आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसे मैंने कैसे बनाया है और इसमें मैंने क्या क्या सामान डाला है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आम पन्ना बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक मैंगो लिया है। अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी मस्टर्ड ऑयल लगाकर चारों तरफ से हम लोग इसे लगा देंगे। अब गैस के चूल्हे पर को ऑन करेंगे हम लोग और इस पर एक जाली रख देंगे और इस आम को हम लोग मीडियम टेम्परेचर पर पकने के लिए रख देंगे। इसे चारों तरफ से अच्छी तरीके से हम लोग पका लेंगे। हमें इसे चारों तरफ से अच्छी तरीके से पकाना है। ये देखिए, मैंने चारों तरफ से मैंगो को अच्छी तरीके से जला कर पका लिया है क्योंकि हमें ऊपर वाले कवर का जरूरत नहीं था, इसीलिए मैंने जलाया ताकि अंदर तक ये अच्छी तरीके से पक जाए। अब गैस को करेंगे ऑफ और इसे नॉर्मल टेम्परेचर आने तक इसे रेस्ट करने देंगे। ये देखिए, हमारा मैंगो करीब करीब ठंडा हो चुका है। हमें बहुत ज्यादा ठंडा करने की जरूरत नहीं है। अब इसे हम लोग छील लेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। पहले मैं छील के कट कर लेती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितना आसानी से ये निकल जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने पकाए हुए मैंगो को अच्छी तरीके से छील लिया है। अब इसे हम लोग चाकू से कट कर इसकी गुठलियां निकाल देंगे और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने मैंगो को कट कर लिया है और इधर कड़े वाले पार्ट और गुठली को मैंने निकाल दिया है। अब हम लोग एक मिक्सी के जार को लेंगे, उसमें सारा ये जो मैंने बॉइल्ड करके रखा है मैंगो के पल्प को डाल देंगे और इसमें अब हम लोग डालेंगे थोड़ी सी काला नमक, टेस्ट के अनुसार इसमें अब सॉल्ट डाल देंगे और हाफ स्पून के आसपास इसमें शुगर डाल देंगे और 10 से 15 पत्ते इसमें पुदीना के डाल देंगे और इसमें थोड़ी सी पानी डालकर इसे स्मूथ पेस्ट बना लेंगे हम लोग। मैं पहले पेस्ट बना लेती हूँ, फिर और दिखाती हूँ आपको आगे का वीडियो। ये देखिए, मैंने पेस्ट को स्मूथ बना लिया है। अब इसे एक सॉस पैन में ट्रांसफर कर लेते हैं हम लोग और इसमें थोड़ी बहुत जो रह गई है उसे हम लोग छान लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने छान लिया है। अब इसमें थोड़े से कटे हुए पुदीने के पत्ते को डालेंगे और एक स्पून से इसे मिला लेंगे। आइए अब इसे हम लोग ग्लास में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरा अब ग्लास एकदम रेडी है। इसमें मैंने मैंगो को ऊपर लगा दिया है ग्लास के ऊपर और पुदीने पत्ते को भी लगा दिया है। अब इसमें हम लोग डाल लेते हैं। ये देखिए, अब मैंने ग्लास में से ट्रांसफर कर दिया है। अब इसमें पाइप लगा देते हैं ताकि इसे पी सके हम लोग। देखिए कितना शानदार और यम्मी दिख रहा है दोस्तों। इसका एक फोटो ले लेती हूँ। तो दोस्तों, ये समर ड्रिंक बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है, ये आम पन्ना।
किसी भी बच्चे को, बूढ़े को या किसी भी यंगस्टर को भी लू अगर लग गया हो तो इसका ऐसे ही पल्प निकाल कर हम लोग ऐसे ही बना लेंगे जैसे मैंने बनाया है, और उस लू वाले पेशेंट को पिला देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो मेरी बनाई हुई ये रेसिपी और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। और इस आम पन्ना के बारे में और भी आप जानते हो तो वो भी शेयर करें दोस्तों। तो ये समर के लिए बहुत ही अच्छा ड्रिंक है दोस्तों, इसे घर पे ट्राई करें और एंजॉय करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय दोस्तों।